हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो जिसमें आपको मैं कुछ इस तरह के पोज में एक एडिटिंग करके दिखाऊंगा जो क्रैक फोटो एडिटिंग होगी, क्रैक ग्लास फोटो एडिटिंग होगी। तो मैं इसमें एक ग्लास की पीएनजी काम आएगी और वो क्रैक की पीएनजी क्रैक टेस्ट पीएनजी काम आएगी। तो जरूर नहीं आप उस पोज में फोटो क्लिक कराओ, इस पोज में भी आप फोटो क्लिक करा सकते हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है एक पोज में फोटो क्लिक कराओ, बस आपके मतलब हाथ ऐसे रहना चाहिए जैसे आप स्क्रीन को टच कर रहे हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ठीक है, तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर बताए कि वीडियो कैसी लगी। तो मैं आपको पीएनजी का लिंक डिस्क्रिप्शन जरूर पे दे दूंगा, सारी पीएनजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलते हैं सबसे पहले पिकार्ड की तरफ। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस पोज में आपको मैं फोटो एडिटिंग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ पीएनजी काम आएगी, तो सबसे पहले मैं आपको सिंपली एडिट करके दिखाऊंगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो ये देखिए, मैं यहाँ से पीएनजी इस ले लूँगा, मतलब ये इंस्टाग्राम पर तो बहुत ज़्यादा वायरल रखी है। तो यहाँ से मैं इसको पहले इस ब्लेंड मोड पे जाता हूँ, ब्लेंड मोड पे कर लेता हूँ स्क्रीन पे, ऐसे रोटेट करके, एक मिनट, इसे रोटेट करके ऐसे लगा देना है, देखते रहिए आप, ऐसे कुछ लगा देना है, ये लग गया, हाँ ये लग गया। अब देखिए हमें जाने इरेजर पे, यहाँ पे इरेजर पे जाएंगे, यहाँ से नीचे से हम पहले इसकी ओपेसिटी कम करेंगे, फिर हार्डनेस कम करेंगे और फिर चेहरे के पास से इरेज करेंगे। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, ये गया है चेहरे के पास, यहाँ से इरेज करेंगे हल्का हल्का, ठीक है। तो ताकि चेहरा साफ दिखे, अगर फ़ोटो में चेहरा साफ नहीं दिखेगा तो फोटो बनाने का फ़ायदा क्या। तो इसलिए हम चेहरा ज़रूर हर फोटो में आपको देखना है कि चेहरा साफ होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे साफ़ कर लेता हूँ, देख लीजिए आप, मैं इधर से साफ़ कर रहा हूँ। तो ये मैं थोड़ी सी ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ, ज़्यादा साफ़ नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा ओपेसिटी मत बढ़ाना, नहीं तो बिल्कुल ही साफ इरेज हो जाएगा और अच्छी नहीं लगेगी फ़ोटो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कर लिया, ठीक है, यहाँ से कर लिया। मैं इसमें क्रैक टेस्ट पीएनजी ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये तो हमारी फोटो एडिट हो चुकी है। अगर आपको पहले लाइटरूम में एडिट करनी है तो बाद में मत करना, पहले आप लाइटरूम में एडिट करना, फिर फ्लिपकार्ट में ये पीएनजी लगाना आप, ताकि जी ग्लास पे वो जो आप एडिट करोगे ना लाइट रूम से, उससे कलर नहीं चढ़ेगा। तो पहले इस लाइट रूम में कर लेना, फिर इसमें करना। तो मैंने लाइट रूम में इसे पहले ही कर लिया था, मैं आपको सिंपली विकार्ट में करके दिखा रहा था। तो यहाँ पे हमारी फोटो बन चुकी है। तो दोस्तों, जिसने तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, मिलते हैं अगली।